गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे डे इज़ ट्यूसडे, 2nd February 2021. सो टेक योर जीके बुक. लेट स्टार्ट चैप्टर 26, गॉन पेज नंबर 36. वुमन पावर. इंडियन वुमन हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ पायनियर्स हु हैव ब्रोकन जेंडर बैरियर एंड वर्क हार्ड फॉर दियर राइट्स एंड मेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, लॉ, स्पोर्ट्स एंड आर्ट, साइंस एट्सेट्रा. भारतीय महिलाओं का इतिहास उन अग्रदूतों से भरा है जिन्होंने लिंग बाधा को तोड़ा है और अपने अधिकारों के लिए कड़ी मेहनत की है. और राजनीति, कानून, खेल, कला, सभी ही फील्ड में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है. हियर वी आर गिविंग ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन, नॉटिंग द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वुमेन अचीव समथिंग. लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट दैम. यहाँ इस चैप्टर में कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में बताया है जिन्होंने अपना अचीवमेंट फर्स्ट टाइम इंडिया में दिखाया है. फर्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम एन एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया. विजयलक्ष्मी पंडित भारत की राजदूत बनने वाली पहली महिला थी. सेकंड, एनी बेसेंट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917. एनी बेसेंट स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग थी. वह 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी. थर्ड है मिस फातिमा बीबी, वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मिस फातिमा बीबी भारत की सर्वोच्च अदालत की पहली महिला न्यायाधीश थी. फोर नंबर, मैडम बिकाजी कामा डिजाइन द फर्स्ट इंडियन फ्लैग बिफोर इंडिपेंडेंस एंड समगर्ल्ड इट टू जर्मनी वेयर इट वॉज अनफ्लर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. मैडम बिकाजी कामा ने आज़ादी से पहले पहला भारतीय झंडा डिज़ाइन किया था और जर्मनी में तस्करी के लिए ले जाया गया था जहां ये पहली बार खुला था. नेक्स्ट है इंदिरा गांधी, वॉज द ओनली वुमेन टू इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. शी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री चुनी जाने वाली एकमात्र पहली महिला थी और वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी. सिक्स नंबर, सुचिता कृपलानी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी. नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी. सो फैक्ट फाइल, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस. कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी. नेक्स्ट है साइना नेहवाल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल इन बैडमिंटन एट ओलंपिक इन 2012. साइना नेहवाल 2012 में ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी. नेक्स्ट चैप्टर, पार्क एंड सेंचुरीज. पार्क एंड सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ इन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर. द वाइल्ड बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स हेल्प टू मेंटेन ए बैलेंस इन अ नेचर एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनवायरमेंट. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क एंड मोर देन 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया. वन्य जीव प्रकृति का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है. जंगली पक्षी, जानवर, कीड़े और सरीसृप प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट देम. फर्स्ट है दचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन श्रीनगर इज फेमस फॉर इट्स सैनिक वैली एंड ए मैंडरिंग रिवर. रेयर कश्मीरी स्टेक, ब्लैक बियर, मस्क डियर एंड फाउंड हेयर. श्रीनगर में दचीगाम वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदरता, घाटी और एक बहती नदी के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ दुर्लभ कश्मीरी डंडे, काले भालू, कस्तूरी मृग यहाँ पाए जाते हैं. नेक्स्ट है सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्ट बंगाल कंटेन द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द गैंगेट डेल्टा. टाइगर, फिशिंग कैट एंड ए वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हियर.
पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य में गैंगेटिक डेल्टा के मैग्रोव वन है। बाघ, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ और पक्षियों की एक विस्तृत विविधता यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, इन फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनासोरस विच आर ऑलमोस्ट एग्जिस्ट एंड ओनली फ्यू आर रिमेनिंग, दे कैन बी स्पॉटेड अराउंड द स्वैम्पी ईयर बाथिंग। असम में काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है जो लगभग विलुप्त हो चुके हैं और केवल कुछ ही शेष हैं। उन्हें दलदली क्षेत्रों के आसपास स्नान करते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कान्हा प्रियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड केरला इज फेमस फॉर इट्स लार्ज एलिफेंट पॉपुलेशन, वाइल्ड डॉग, नीलगिरी लंगूर, ऑटर्स, टॉर्टोइज एंड हॉर्न बिल्स आर अदर एनिमल फाउंड हेयर। असम में केरल में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी हाथी की आबादियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली कुत्ते, नीलगिरी लंगूर, उदबिलाव, कछुआ और हॉर्न बिल यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवर है। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर एंड मोस्ट एग्जिस्टिंग पार्क ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इट पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट द स्वैम्प डियर ऑन बारासिंगा एंड इंक्लूड अदर एनिमल लाइक टाइगर, चीतल, ब्लैक बक, लंगूर एंड लियोपर्ड। मध्य भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वन्य जीवों के लिए सबसे शानदार और सबसे रोमांचक पार्कों में से एक है। ये विशेष रूप से दलदल, हिरण या बारासिंगा की रक्षा करते हैं और उनमें बाघ, चीतल, ब्लैक बक, लंगूर और तेंदुए जैसे अन्य जानवर शामिल है। नेक्स्ट है केवलादेव कान्हा बर्ड सेंचुरी और कॉल्ड भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान। इट इज़ द बेस्ट नॉन बर्ड सेंचुरी इन इंडिया एंड फीचर्स ए लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड फ्रॉम साइबेरिया एंड चाइना इंक्लूडिंग हेरॉन्स, स्टॉक्स, क्रेन एंड गीज। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जिसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है राजस्थान में है। ये भारत में सबसे अच्छा ज्ञात पक्षी अभयारण्य है। यहाँ बड़ी संख्या में साइबेरिया और चीन से पक्षी सारस, क्रेन और गीज सहित प्रवासी पक्षी आते हैं। नेक्स्ट है ससन गिर नेशनल पार्क इन डेजर्ट्स ऑफ गुजरात इन फेमस फॉर द एसेटिक लॉयन विच नंबर अराउंड 250। दीज लॉयन कैन बी सीन अराउंड द लेक एंड अदर वाटरिंग हॉल। गुजरात के रेगिस्तान में ससन गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है जिनकी संख्या लगभग 250 है। इन शेरों को झीलों और अन्य पानी के छिद्रों के आसपास देखा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर 28 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ जयपुर। जयपुर इज़ परहैप्स फॉर द आइडियल सिटी दैट यू कैन चूज फॉर गोइंग ऑन हिस्टोरिकल टूर इन राजस्थान नॉर्थ इंडिया। सम ऑफ द पॉपुलर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन जयपुर दैट यू कैन विजिट ऑन योर हॉलीडे टूर आर द जंतर मंतर, द अमर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, गोविंद देव जी टेम्पल, सिसोदिया रानी पैलेस, रॉयल कैंटोप्स एंड जल महल। जयपुर शायद एक आदर्श शहर है जिसे आप राजस्थान, उत्तर भारत के ऐतिहासिक पर्यटन पर जाने के लिए चुन सकते हैं। जयपुर में लोकप्रिय ऐतिहासिक स्मारकों में से ये कुछ है जो आप अपने अवकाश पर्यटन पर जा सकते हैं, जैसे जंतर मंतर, आमेर का किला, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, सिसोदिया रानी महल, शाही सेनोफटॉक और जल महल। लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट ऑफ देम। यहाँ कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। द फर्स्ट है जंतर मंतर। द जंतर मंतर इज़ एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड एट जयपुर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई महाराजा सवाई सह सिंह इन द ईयर 1716। दियर आर ह्यूज मेजनरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रिजन लोकेटेड इन साइड द जंतर मंतर दैट कैन स्टिल बी यूज एक्यूरेटली। द मैन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट सेट अप एट दिस रॉयल
ऑब्जर्वेटरी आर द जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र एंड द सम्राट यंत्र। जंतर मंतर जयपुर पर स्थित एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने वर्ष 1716 में करवाया था। ये जंतर मंतर के अंदर स्थित असाधारण परिशुद्धता के विशाल चिनाई वाले यंत्र हैं जिन्हें आप भी सटीक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस शाही वेधशाला में स्थापित कुछ खगोलीय उपकरण जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और सम्राट यंत्र पाए जा रखे हुए हैं। नेक्स्ट है हवा महल। इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोनूमेंट्स दैट यू कैन विजिट ड्यूरिंग योर टूर टू जयपुर इन राजस्थान इंडिया। दिस हिस्टोरिकल मोनूमेंट इज़ ए मल्टी लेयर प्लेस दैट हैज़ अ बिहेव्ड स्ट्रक्चर एंड इज एन आर्किटेक्चर वंडर। द हवा महल वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द वुमेन ऑफ द रॉयल कोर्ट, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ऑफ जयपुर राजस्थान। बिल्ड द हवा महल इन द ईयर 1799। द आर्किटेक्चरल वंडर वॉज बिल्ट विद पिंक एंड रेड सैंडस्टोन एंड द वॉल ऑफ द मोनूमेंट्स एंड डेकोरेटेड विद एरिस्टिक मोटिफिक। हवा महल सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से एक है। यहाँ राजस्थान में जयपुर की अपनी यात्राओं के दौरान यहाँ यात्रा करना देखा जाता है। भारत का एक ऐतिहासिक स्मारक, एक बहुस्तरीय जगह है जिसमें मधुमक्खियों का एक ढांचा है और एक वास्तुशिल्प आश्चर्य में इसे देखा जाता है। महल का निर्माण शाही दरबार की महिलाओं के लिए किया गया था। जयपुर राजस्थान के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने वर्ष 1799 में हवा महल को निर्माण किया था। ये वास्तुशिल्प आश्चर्य गुलाबी और लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। नेक्स्ट है अंबर फोर्ट। इज़ लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। द अंबर फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ए हिल ओवरलुकिंग द टाइनी मोटा लेक एंड जयपुर दिल्ली हाईवे। देयर आर क्विट ए फ्यू मोनूमेंट्स विद इन ए फोर्ट्रेस सच एज द दीवान ए खास सुख निवास, द जय मंदिर, शीश महल एंड द टेम्पल ऑफ विक्ट्री। अकबर का किला जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंबर किला एक के परिसर में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है जो एक छोटी मैया झील जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। किले के भीतर काफ़ी कुछ स्मारक है जैसे दीवानी खास, सुख निवास, जय मंदिर, शीश महल और जीत का मंदिर। नेक्स्ट है जगदीश फोर्ट। इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ए हिल। दिस मैसिव फोर्ट इज़ फ्लैंक्ड बाय टैल एंड ह्यूज गेटवे एंड वॉच टावर एंड मेक ए ग्रेट पैलेस प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग योर हिस्टोरिकल टूर टू जयपुर। जगदीश किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ये विशाल किला लंबा और इसका जो गेटवे है गुंबद से घिरा हुआ है और ये जयपुर के ऐतिहासिक पर्यटनों के दम में एक है। नेक्स्ट चैप्टर ग्रेट इंडियंस, चैप्टर 29। Personalities who have made a difference to India in the field of politics, dance, literature, culture and spiritually, India has produced several famous personalities that have excelled in their field. These Indian heroes have battled against all odds and have reached the pinnacle of success by their courage, determination and perseverance. व्यक्तित्व जिन्होंने राजनीति, नृत्य, साहित्य, संस्कृति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भारत के लिए विशेष स्थान बनाया है, जो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम बना रहे हैं, उन्हीं का नाम यहाँ बताया है। डॉक्टर सी वी रमन वॉज ए नोबल इंडिया फिजिसिस्ट हु वॉज ऑनर्ड विद अ नोबल प्राइज इन फिजिक्स for the unmatchable contribution to the subject. डॉक्टर सी वी रमन एक महान भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें फिजिक्स के लिए बेजोड़ योगदान के लिए भौतिकी विज्ञान में नोबल पुरस्कार दिया गया था। सेकेंड है होमी जहांगीर बाबा वॉज द की मैन बिहाइंड इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ही हैज़ बिन कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पीछे प्रमुख व्यक्ति थे जहांगीर बाबा। उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू
और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ गांधी जी. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. सरोजनी नायडू भारत की कोकिला गांधी की करीबी सहयोगी थी. वह पहली भारतीय थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मध्य महिला अध्यक्ष की पोजिशन ली थी. नेक्स्ट है कबीर वॉज ए सेंट बॉर्न इन 1200 AD. ही बिलीव्ड इन ऑनेंस ऑफ गॉड एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स. ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड बॉर्डर लैंड दो द भजन इन दोहा. ही बिलीव दैट इज इफ एवरी पर्सन क्लीनेज हिज सॉल फ्रॉम इन साइड दैन नो बॉडी वुड लुक एवल इन द आउटर वुड. कबीर एक संत थे जिनका जन्म 1200 के करीब हुआ था, 1200 ईस्वी में हुआ था, और वे एक ईश्वर की एकता और सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे, जिन्होंने अपने भजन और दोहों के माध्यम से प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया. उनका मानना था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अंदर से सुंदर है, अंदर से अपने मन की सुंदरता, अपने मन को साफ रखता है, तो वो व्यक्ति दुनिया में अच्छा माना जाता है. फिफ्थ नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया वॉज इमेंस. ही वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे. भारत में उनका योगदान बहुत बड़ा था और वे भारत की प्रसिद्ध पुस्तकों की खोज उन्होंने की थी, जिनकी इतिहास की झलकियों के वे लेखक थे. सो कंप्लीट द चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.